In previous lecture we have studied about the electrolysis of water, जिसमें मैंने आपको बताया था कि water को normally हम dissociate नहीं कर सकते. We have to pass electricity through the electrode, then water dissociate into form of H plus ion and OH minus ion. H plus ion move toward the negative electrode and positive ion O minus ions move toward the positive इलेक्ट्रोड. ये हम पढ़ चुके थे, चलिए इसके आगे देखते हैं. इन एक्टिविटी 1.8 देखिए, चाइना डिश में उन्होंने सिल्वर क्लोराइड लिया है. सम क्लो सिल्वर क्लोराइड एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड चेंज इज कलर. द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड बिकम्स अ ग्रे बिकॉज सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द सिल्वर क्लोराइड. ओके, ये पेपर पूछा जाता है कभी कभी कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखा जाएगा तो व्हाट कलर हैव यू सीन बाय यू, तो यू कैन से द ग्रे कलर. नेक्स्ट देखिए, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट विथ एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड चेंज इज कलर एंड डिकम्पोज इन टू फॉर्म ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड. इज अ डिकम्पोजिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम. दिस रिएक्शन दीज आर टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न द रिएक्शंस विथ बैलेंसीज, क्योंकि पेपर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखिए. जितनी भी हैलोजन रिएक्शंस होती हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिन भी कंपाउंड के साथ होता है, यह मोस्टली रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाती है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है. जिस तरीके से ऊपर आपने पढ़ा था सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हुआ था, उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी टू पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा. इसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं. अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस अगर आप देखेंगे तो ये जब भी सनलाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी तो डिसोसिएट होगा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने पर या जनरली हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो डिकम्पोज होती हैं. ओके, यानी जनरली लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट में. सनलाइट के कारण अगर रिएक्शन होगी तो वो फोटो रिएक्शंस कहलाती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेकडाउन हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहा जाता है, और हीट के कारण अगर जनरेट होती है तो टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है. मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको. तीन चीज़ों से, तीन तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है. पहला सनलाइट, जिसे फोटो रिएक्शंस कहा जाएगा. अगर हीट का यूज़ करा जाता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करके करा जाता है, तो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस कहलाती हैं वो. और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहा जाता है. ओके, टू क्वेश्चंस आर गिवेन, दीज आर ऑल्सो असाइनमेंट फॉर यू. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वॉश वॉशिंग, ये हम कर चुके हैं पहले. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं. और एक क्वेश्चन आपको मैंने और बताया था, हाइड्रोजन इज डबल ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा हाइड्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन डबल, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से डबल होते हैं. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें कॉपर सल्फेट लिया, आयरन नेल जब डिप करेंगे हम उसके अंदर, तो आयरन धीरे धीरे कॉपर के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा और सोल्यूशन का कलर ग्रीन होगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं वो वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर वीक एलिमेंट होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा तो वीक एलिमेंट उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है, विच रिएक्शन इज़ पॉसिबल विद द कंपाउंड, विच रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, गिव द आंसर. देखिए इसको, ये देखिए, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर अगर करें आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, तो दोनों नेल को अगर डालेंगे तो एक में आयरन नेल डाला है. आयरन नेल को जब हम कॉपर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है. आपको ये जो इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एक पेज पर लिख लीजिए और उनको रोज़ पढ़िए, रोज़ स्टडी करिए, रोज़ बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही केमिस्ट्री के पेपर बनता है और पूरा वर्ड टू वर्ड सेम इक्वेशंस आती है. जैसे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, अगर कॉपर होता है आयरन के साथ तो कॉपर डिस्प्लेस
आयरन को नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर इज वीकर देन द आयरन मेटल। इसी तरह जिंक जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यू गेट द प्रोडक्ट जिंक सल्फेट। लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो लीड क्लोराइड बनेगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक रिएक्टिविटी सीरीज सिखाता हूँ जिसको आपको याद करना है। देयर इज़ अ ट्रिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। काना केमल जी गए आयरन टिन लीड लेने, देन हाइड्रोजन, सबसे पीछे से लिखेंगे, फिर कॉस्टली मेटल टू चीपर मेटल। देखिए, काना केमल जी गए आयरन टिन लीड लेने, हाइड्रोजन, फिर बैक साइड से कॉस्टली मेटल टू चीपर मेटल, सबसे कॉस्टली मेटल प्लेटिनम, देन गोल्ड, उससे कम सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज दिखाई देगी। देखिए, फर्स्ट काना, काना से के फॉर पोटेशियम, एन ए सोडियम, सी ए कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए एल एलुमिनियम, जेड जेड फॉर जिंक। गए को आपको ओमिट करना है, आयरन Fe, टिन Sn और लीड Pb, हाइड्रोजन, और फिर बैक साइड से आपको लिखना है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर। देखिए अब इसको किस तरीके से याद लिखा जाता है, काना KNa, काना केमल, केमल Ca, मल फॉर Mg, अल अल फॉर एल्यूमिनियम, काना केमल जी, जी फॉर जिंक, गए गोय को मिट, आयरन Fe, टिन Sn, लेड यानी Pb, लेने लेने को मिट करना है, और देन हाइड्रोजन, फिर बैक साइड से मेटल देखिए, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर। देखिए ये सीरीज़ आपकी तैयार होगी, रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है पोटेशियम है। पोटेशियम नीचे आने वाली किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो पीबी, पीबी आपको दिख रहा होगा ये वाला, इस पीबी को ऊपर की जितनी भी मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बाद आने वाली कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। इसी तरह अगर हम लास्ट वाली मेटल की बात करें, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होती है। यानी प्लेटिनम को कोई भी मेटल डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन प्लेटिनम किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कुछ रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। जैसे आपसे पूछा जाता है, Zn रिएक्ट विथ CuSO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस कॉपर। बट अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं मैं, कॉपर प्लस ZnSO4, तो क्या ये पॉसिबल है? तो कई लोग जिन्हें मालूम नहीं है वो आंसर लिख देंगे, सर पॉसिबल है, बट नहीं है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है कम्पेयर टू जिंक। तो जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। बट कॉपर की बात करें तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो दिस सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट रिएक्शन इज पॉसिबल। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, पीबी प्लस CuCl2। तो आप बोलेंगे, सर यहाँ PbCl2 बन जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। बट इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरीके से करें, कॉपर प्लस PbCl2, देन यू गेट CuCl2 एंड Pb। बट दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द Pb। रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप देखेंगे तो Pb ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट डज नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये सभी रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। याद रखिए, इसमें पेपर पे काफ़ी पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे। कभी भी लो रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस में नहीं आती। इसी से मिलती जुलती रिएक्शंस एक आपको देखेंगे आप नीचे दी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये देखिए दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें जो है इसमें अटैकिंग रिएजेंट का यूज़ करा जाता है, या हम बोल सकते हैं कि
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम हाईली रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि ये होता है कि एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड ब्रेक होके दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे कंपाउंड को ब्रेक करता है और नए कंपाउंड को मल्टीप्लाई करता है। एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से और दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव आयन पहले कंपाउंड के नेगेटिव आयन से अटैच होकर न्यू फॉर्मेशन करता है। देखिए इसे एग्जांपल्स को दिखाया है। देखिए अगर हम देखते हैं Na2SO4 दिया है, Na पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है फर्स्ट कंपाउंड में, सेकेंड कंपाउंड में Ba पॉजिटिव है, Cl2 नेगेटिव है, तो Na सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव से यानी 2NaCl बन जाएगा, जबकि Ba पॉजिटिव सेकेंड फर्स्ट कंपाउंड के नेगेटिव से जाके मिलेगा तो BaSO4 बन जाएगा। अच्छा इसमें आपसे एक पूछा जाता है प्रेसिपिटेट, देखिए आपको नाम दिया इज़ नोन एज द प्रेसिपिटेट, तो याद रखिए इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, एक कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल होता है यानी पानी के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है और दूसरा पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है जिसे आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। देखिए द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेट, फॉर एग्जाम्पल NaSO4 इज़ अ एक्वस ऑल्सो एंड BaSO4 एक्वस, बोथ आर एक्वस सोल्यूशन एंड कम्बाइंड टूगेदर थ्रू फॉर्म ऑफ BaSO4 एंड 2NaCl। NaCl आपको मालूम है वाटर में डिजॉल्व होता है बट BaCl2 डिजॉल्व नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इनसॉल्युबल पार्ट जो है प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप PPT कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। याद रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। 1.27 टेस्ट ट्यूब में आप देखिए दो टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें दोनों को आपस में मिक्स किया है, तो एक टेस्ट ट्यूब से जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में गए तो नीचे कुछ ऐसे सर्कल या पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो इनसॉल्युबल है, इस इनसॉल्युबल पार्ट को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? सीन द लास्ट लाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हेन द टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, वन इज़ अ सॉल्युबल एंड अनदर इज़ इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर आपको इक्वेशन में AQ लिखा दिख रहा है, AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस मीन्स इफ़ यू एड द सॉल्ट इन टू द वाटर तो इट इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, इफ़ यू एड अ सॉल्ट इन नॉन वाटर सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, ऑयल, डीजल, कैरोसिन में अगर डिजॉल्व करते हैं तो वो नॉन एक्वस कहलाएगा, यानी अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो वो एक्वस स्टेट कहलाएगी और अगर वाटर नहीं हुआ तो वो नॉन एक्वस स्टेट कहलाएगी। यानी Na2SO4 अगर आप देख रहे हैं, आप BaCl2 देख रहे हैं या NaCl देख रहे हैं, उनके बगल में जो एक्वस लिखा है इट मीन्स दे दीज आर डिजॉल्व, दीज आर प्रेजेंट इन द वाटर। ओके अच्छा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्यों होता है ये इन द प्रीवियस क्लासेस यू स्टडी, इफ द पार्टिकल साइज आर लार्जर देन द वाटर पार्टिकल्स सो दे सेटल डाउन एंड बिकम्स अ प्रेसिपिटेट, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन द वाटर पार्टिकल दे सेटल बिटवीन द वाटर पार्टिकल एंड कम्प्लीटली सॉल्युबल। तो आपसे कभी भी कोई पूछे प्रेसिपिटेट क्यों बनता है तो आप बोल दीजिएगा उसके पार्टिकल का साइज वाटर के जो पार्टिकल्स है उससे ज़्यादा बड़ा होता है या वाटर के बीच में जो स्पेस होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सेटल डाउन होकर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है, प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे, जनरली मेटल सेटल डाउन होती है क्योंकि वहाँ पे एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है, जबकि प्रेसिपिटेट में दो डिफरेंट रिएक्टेंट कम्बाइंड होते हैं और सिंगल डिफरेंट प्रोडक्ट में आते हैं, वन इज़ वाटर सोल्यूबल एंड अदर इज़ नॉट अ वाटर सोल्यूबल एंड वी कैन सेपरेट द प्रेसिपिटेट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी अगर फिल्टर अगर यूज़ करें, फिल्टर पेपर का यूज़ करें तो हम प्रेसिपिटेट सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपको दी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। जनरली इन ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन एड हो रही है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ द रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर से सुनिए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर रिवर्सिबल दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है तो उसे रेडॉक्स कहा जाता है,
इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हम अगर मोबाइल बैटरी की बात करें या घर के अंदर जो इन्वर्टर होता है उसकी बात करें या सेल चार्ज किए सकते हैं वो सब रेडॉक्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं दैट मीन्स वी प्रोवाइड द करेंट इनसाइड द सेल, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड द बैटरी डिज ऑक्सीजेशन। और जब उसमें करंट बाहर निकाले जाते हैं तो जब करंट बाहर निकलता है तो वो रिडक्शन की प्रोसेस आती है। देखिए ऑक्सीडेशन जो है चार्जिंग प्रोसेस होती है और रिडक्शन जो है डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब रिडॉक्स आगे पेपर में क्वेश्चंस में आते हैं। रिडॉक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स को करेंगे। थैंक यू।